दिल्ली के सर्व सत्य शोधकों को और साधकों को हमारा प्रणिपात। आज के जो प्रश्न मेरे सामने आए वो काफ़ी समझदारी से लिखे गए हैं और कुछ में वही कुतूहल है जो एक बौद्धिक वर्ग में होता है। जैसे कि कहा गया है कि पहले भी इतने अवतरण हो गए तो उन्होंने ये काम क्यों नहीं किया, अब मैं क्या जानूं, आप उनको फ़ोन करके पूछ लीजिए। ये भी कोई बात हुई। अरे भाई, अगर कोई काम कर रहा है तो सोचना चाहिए कि ये तो बड़ा भारी काम हो रहा है और ये अच्छी बात है, अभी तक नहीं हुई तो नहीं हुई। वास्तविक बात यह है कि पेड़ जब बढ़ता है तो उसकी एक एक अवस्था होती है। जिस अवस्था में आज का समय आया हुआ है, कल ही मैंने कहा था कि ये बहार का समय है और इस समय अनेक लोग अपने सुकृतों को फलद्रूप होते हुए देखेंगे। आपने जो पुण्य पहले जन्म में किए हैं उसके आज आशीर्वाद स्वरूप आपको आत्म साक्षात्कार होगा। ये तो अनादि काल से लिखा गया है। आप लोग तो सब बहुत विद्वान हैं, लेकिन नल दमयंती आख्यान अगर आप पढ़िए तो नल दमयंती कितने हजारों वर्ष पूर्व हो चुके, जब नल ने एक दिन कली को पकड़ा और उसकी टांग पकड़ के कहने लगा कि तू अब बता कि तू सबका सर्वनाश करने वाला और सबको भ्रम में डालने वाला अति दुष्ट है और तेरा जीवित रहना ठीक नहीं, क्योंकि तूने मेरी पत्नी से मेरा बिछोह किया था और इसी तरह तू सब में भ्रम डाल करके एक दूसरे में झगड़ा लगाते रहेगा और कलयुग में जो जो हाहाकार होने वाला है उसको अगर किसी तरह से मिटाना है तो तेरा ही नाश कर देना ठीक है, ये मैं बड़ा पुण्य कर्म करता हूँ। तो कली ने कहा हाँ भाई, ये तो बात सही है, लेकिन मेरा भी कुछ महत्व है, इसको सुन लो। मेरा महात्म्य ये है कि जब मेरा साम्राज्य संसार में चलेगा, जब घोर कलयुग आएगा, उस वक्त ये जो दरिकंदरों में साधु लोग परमात्मा के खोज में घूम रहे हैं, ये एक सर्वसाधारण घर गृहस्थी में बैठे हुए सर्वसाधारण सामान्य लोग होंगे, लेकिन इसमें का जो असामान्य है वो आत्म साक्षात्कार इन्हें प्राप्त होगा। ऐसा सुनते ही नल ने उसे छोड़ दिया और उसकी क्षमा मांगी कि ये महात्म्य मैं तुम्हारा नहीं जानता था। ऐसे तो कुछ अवतरण जरूर कलयुग में भी हुए, लेकिन इतना घोर कलयुग कभी भी संसार में नहीं था और इतना बड़ा कार्य भी आज तक संसार में हो नहीं पाया। एक प्रश्न और आता है कि आप माँ क्यों यह सब कार्य कर रही हैं, बाप को भी कुछ काम करना चाहिए। सो यही कहूँगी कि सहृदयता में कहती हूँ कि माँ तुम कितनी परेशान रहती हो, रोज़ रोज़ तुम्हारे प्रोग्राम सुबह शाम चलते हैं। वो हो सकता है कि नाराज़ी से भी कहते हैं, क्योंकि स्त्री कोई काम करे इस तरह का, ये तो बहुत ही लोगों को बुरा लगता है। लेकिन भाई, आपको पुनर्जन्म देने की बात है ना, तो किसी बाप ने तो आज तक जन्म दिया नहीं बच्चे को। और ऐसी मेहनत करनी पड़ती है, इस बार बड़ी सबूरी चाहिए, बड़ा प्यार चाहिए, बड़ी समझ चाहिए, बड़ा दुलार चाहिए, सूझबूझ चाहिए और आखिर तक पार करने की इच्छा बनी ही रहना चाहिए। ऐसे अगर
श्री कृष्ण होते तो वो आधे लोगों को तो दिल्ली में सुदर्शन से ही उड़ा देते, ऐसे अगर राम होते तो वो घबरा के वनवास चले जाते, और अगर जीसस क्राइस्ट आते तो अपने को सूली पर चढ़ा लेते, और बुद्ध आते महावीर आते तो बैराग लेकर के वो अपने कार्य में निकल जाते। ये कार्य एक माँ ही कर सकती है। मैं मानती हूँ अपने देश में नारी का इतना मान नहीं जितना होना चाहिए, विशेषतः उत्तर हिंदुस्तान में मान नहीं है। यत्र नार्या पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ स्त्री पूजनीय होती और पूजी जाती है वहाँ देवता का रमण होता है। लेकिन हम लोगों के यहाँ जब औरतें मर्दाना पना करती हैं तो जितने मर्दों के गलत गुण हैं वो ले करके इस कदर उनके तौर तरीके ख़राब हो जाते हैं कि मनुष्य सोच ही नहीं सकता कि कोई स्त्री माँ स्वरूप होकर के भी शुभ कार्य कर सकती है। मैं इसका दोष सिर्फ अज्ञान को दूंगी। यह काम बहुत कठिन है, पहाड़ जैसी कुंडलिनी उठानी पड़ती है। बहुत से लोगों के अंदर जो कुंडलिनी आहत एक सांप की तरह छटपटाती कि माँ मुझे किसी तरह से तुम ये शुभ कार्य करने दो, क्योंकि आप सबकी जो एक व्यक्तिगत माँ है, आपकी अपनी जो एक माँ है वो है कुंडलिनी, और छटपटाती है कि देखो मेरे बेटे ने मेरी ये हालत कर दी, मैं इसको कैसे जन्म दूँ। उसको संभाल के पुचकार के संवार के जागृत करना है, और वो भी सामूहिक तरह से ये कार्य आज होना चाहिए, क्योंकि पहले ज़रूर थोड़े लोग आत्म साक्षात्कारी होते थे, लेकिन उनको तो सबने छला ही, उनको किसी ने मारा नहीं और सताया, और किसी किसी गुरुओं के बारे में पूछा है कि उनको कैंसर की बीमारी हुई तो वो क्यों नहीं ठीक हुए, उनकी कोई माँ उस वक़्त नहीं थी, सारे दुश्मन ही उनके रहे, और हो सकता है उनमें से कोई आत्म साक्षात्कारी भी न रहा हो। इसलिए ये बेकार की बातें करने से क्या फ़ायदा है, हमसे आपसे कोई झगड़ा तो नहीं है। माँ की भाषा में ये कहना है कि खाना बना दिया है बेटा, भूख होगी तो खाना खा लो, ये सहज सरल बात एक माँ की है। इतना गहन विषय है ये, इतना सूक्ष्म विषय है ये कि पहले आदमी को स्थिरता लाना ही बड़ा कठिन जाता है। मैं देखती हूँ जरा सा इधर से बच्चा उधर गया, सबकी नज़र उधर चली जाएगी। एकाग्र होना भी कितना कठिन है, और उसके बाद फिर समग्र होना। इसलिए आपसे मैं विनती करती हूँ कि कृपया अपनी जो भी मुझे बात कहनी है उसे आप एकाग्रता से पहले सुने। जैसे कि साइंस में पहले एक धारणा यानी हाइपोथेसिस दिया जाता है कि ये हाइपोथेसिस है, और फिर उसको सिद्ध करने के बाद लोग मान लेते हैं कि यही कायदा है। इसी प्रकार आपको भी सहयोग के और कुंडलिनी दर्शन के और नज़र करनी चाहिए। हर बात में कुछ न कुछ विरोध की बातें करने से हम कहीं नहीं पहुंच पाते, पर विरोधात्मक बुद्धि होने की वजह से हर जगह का विरोध हम खोजते रहते हैं। जैसे कि आप में और फलाने गुरु में क्या अंतर है, बहुत अंतर है। जिन गुरुओं के यहाँ सेवा की बड़ी बड़ी पेटियाँ लगी रहती हैं वो तो आपके नौकर हुए। जो आपसे रुपया पैसा लेते हैं उनमें हम में बहुत बड़ा अंतर है, वो आपकी कुंडलिनी जागृत नहीं करती। सिर्फ बातचीत ही बातचीत से हो जाएगा। हमने कहा बेटे हमने खाना परस दिया आप खाइए, और ना वहाँ थाली ना कटोरी ना कुछ नहीं, यहाँ खाइए खाइए ना खाइए, खाते क्यों नहीं, आप कहिएगा कि यहाँ है क्या। लेकिन ऐसा नहीं लोग सोचते हैं, जो भी भ्रम दिमाग में डाल दे बस उसी को मानने लग जाते हैं, क्योंकि ये घोर कलयुग है।
कोई सा भी भ्रम किसी ने डाल दिया, मैं तुमको एक नाम देता हूँ गुरु। अरे भाई, नाम देने के लिए गुरु काहे के लिए चाहिए, मेरी आज तक समझ में नहीं आया। नारद ने वाल्मीकि को राम का नाम बताया था, कहाँ वाल्मीकि कहाँ नारद, क्योंकि उनका राइट हार्ट जिसे हम कहते हैं चक्र पकड़ रहा था, इसलिए उनको उन्होंने राम का नाम बताया। सब डाकुओं का राइट हार्ट पकड़ता है, लेकिन आप कोई डाकू है, आप क्यों राम का नाम ले रहे हैं? आपका जो चक्र पकड़ा है वही ना आपको नाम दिया जाएगा, और जब चक्र छूट जाएगा तो भी आप उसको रटते जाइएगा। जिसको देखो वही कुछ ना कुछ नाम देता है। एक महाशय तो 600 पाउंड लेकर के ऐसा नाम देते हैं जैसे ठिंगा इंगा पिंगा, और उसको गुप्त रखने को कहते हैं। आप बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, वही हालत कहनी चाहिए। नाम देने वाला गुरु कभी भी सही नहीं हो सकता। कौन से चक्र पकड़े, क्यों नहीं उनसे आप सवाल पूछते कि भाई तुमने मुझे ये नाम दिया, सो कौन से चक्र के वजह से दिया, कौन मुझ में दोष है, किस लिए मुझे ये नाम आपने दिया, सवाल होना चाहिए। सवाल तो माँ से होते हैं, क्योंकि हमने पूरी स्वतंत्रता दे रखी है और दे रहनी चाहिए, सवाल होने चाहिए, जिससे मैं खुश होती हूँ कि बच्चों ने सवाल तो किया है, स्वतंत्रता से बैठे हुए बच्चे सवाल करते हैं, ये माँ के लिए बड़ी शान की चीज़ है। लेकिन हमने औरों से कभी सवाल नहीं पूछा, जहाँ दान की पेटी लगी हुई है, 7 मंजिल में एक न बोलने वाला महाशय बैठा हुआ गुरुजी, सब दान में वहाँ पे रुपया डालते हुए जा रहे हैं, गुरुजी कभी बोलते नहीं, एक नाम दे देते हैं, करोड़ों रुपया लाखों रुपया उस दानों की पेटी में चला जा रहा है, भगवान जाने कौन से खो में छिपता है, वहाँ सवाल नहीं होते, क्योंकि वो मेसमराइज कर देते हैं, मंत्रमुग्ध कर देते हैं। अपनी स्वतंत्रता में मनुष्य को ये भी सोचना चाहिए कि इसने मुझे नाम दिया तो उससे क्या मुझे फायदा होने वाला है। अरे डॉक्टर भी जब आपसे कहता है कि मैं आपको दवा देता हूं, तो पूछता है कि मुझे क्या रोग है ये बताइए, आप किस लिए दवा दे रहे हैं मुझे। और अपने देश में नाम देने वाले गुरु इतने फैल गए हैं कि अब कोई भी आदमी जेल से भी छूटे और वो काषाय वस्त्र पहन के घूम के घर आकर यहाँ 12 खंबा रोड पे बैठ जाए और नाम देने लग जाए, तो मैं आपसे कहती हूँ कि सब लोग वहाँ दौड़ते चले जाएंगे यहाँ से। पहली चीज़ जान लेना चाहिए कि नाम देना व्यर्थ की चीज़ है। आज मैं भक्ति की बात कर रही हूँ। अब ये हुआ कि 2 गुरु हम रख सकते हैं, कि 4 गुरु रख सकते हैं, कि 10 गुरु रख सकते हैं। बाबा कोई गुरु मत रखो, कलयुग में सद्गुरु मिलना मुश्किल। मैं कहती हूँ आप ही अपने गुरु हो जाओ। हो गए महान गुरु, हो गए, उन्होंने आपका गुरु का स्थान बना लिया है, और उसी गुरु के स्थान पे आप अधिष्ठित हो जाओ, उसी पे विराजो, और आप ही गुरु बन के अपना भी और दूसरों का भी संचालन करो, उनका गाइडेंस करो। किसी को गुरु मनाने की जरूरत नहीं, इस माथे को किसी के सामने झुकाने की जरूरत है। ये माथा जो है यहां एकादश रुद्र के 11 बड़े जबरदस्त विध्वंसकारी चक्र है, इसको आप जिसके उसके सामने झुकाते फिरते हो। मंदिरों में गए, वहाँ कोई पंडित जी बैठा हुआ है, बिल्कुल बेकार चोर आदमी, उसके सामने जाकर सर झुका दिया, पंडित जी बैठे हैं, पंडित जी आए, उन्होंने आपके माथे में कुमकुम लगा दिया, उसके बाद पता हुआ बाहर आते आते चक्कर आके गिर गए। हनुमान जी ने पता नहीं क्या कर दिया हमको माँ, कि हम मंदिर में गए थे उस दिन से आज बीमार हो गए। अरे भाई, वो हनुमान जी ने थोड़ी किया, वो बैठे हैं ना हनुमान जी के वहाँ। ये भक्ति की जो गलतियां हैं उसको समझ लेना चाहिए। भक्ति का मतलब ये नहीं है अंधी श्रद्धा, कभी भी नहीं है। श्रद्धा भी आपको आत्म साक्षात्कार के ही बाद आनी चाहिए।
मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि मेरे पैर मत छुओ, क्यों छूते हो मेरे पैर, मैंने आपको दिया ही क्या है। मैं जब आपको कुछ देऊँ और आप सोचें कि मुझ में कोई बात है तो ठीक है, आप पैर छू लीजिए, लेकिन क्यों इस माथे को सबके सामने झुकाना। गुरु नानक साहब ने कितना सुंदर काम किया कि जितने आत्म साक्षात्कारी गुरु थे उनकी ही किताबें ले करके और ग्रंथ साहब बनाया, और झुकना है तो ग्रंथ साहब के सामने झुकिए, माने आप चैतन्य के आगे झुक रहे हैं, ये कहा था। मोहम्मद साहब ने भी यही कहा कि किसी के सामने मत झुको। आज सवेरे बहुत से बीमार लोग आए थे, उनमें से 99% लोग गुरुओं के चक्कर में बीमार थे, किसी को कैंसर, किसी को हार्ट ट्रबल, किसी के पैरालिसिस, किसी के कुछ, सारी बीमारियां इन गुरुओं से पाई हुई है। अच्छा है साहब, पैसा देकर के आप बीमारी खरीद रहे हैं? यह कोई भक्ति हुई? भक्ति में एक चीज जिसको मराठी में डोलस भक्ति कहते हैं कि आंख खोल के भक्ति करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि इनके पास गया हुआ आदमी जो है उसका क्या हाल है, ये दे क्या रहा है, ये परम दे रहा है या कुछ, कहीं की विभूति आ गई, कहीं का डायमंड आ गया। आपके ड्राइवर नौकरों को नहीं मिलेगा डायमंड, अगर आपके पास 25 डायमंड हो गए तो एक डायमंड मिलेगा और बाकी सब गायब। ऐसे चक्करों में आप रह करके बाद में हार्ट अटैक लेकर मेरे पास पहुंचते हैं, माँ हमें हार्ट अटैक आ गया। ये भक्ति का हमारा स्वरूप है। डॉक्टर वॉरेन आप लोगों को बहुत मानते हैं और वो ये सोचते हैं कि आप लोग बड़े धार्मिक हैं, लेकिन भोलेपन की भी कोई हद होती है। इतना भोला होना अच्छा नहीं है, ऐसे गलतफहमी में घूमना अच्छा नहीं है। कोई भी आदमी जेल से छूट के आए, चाहे कहीं से आए, इसका पता नहीं किया आपने कि कौन है क्या है, और लगे उसके पीछे में। हमारे सरकारी नौकर, हालांकि हमारे पति एक सरकारी नौकर रहे और मशहूर है, बहुत ईमानदार, बहुत शरीफ आदमी, सब ऐसे ही गुरुओं के पीछे भागते। क्या उनके पास अकल नहीं है? अरे बड़े बड़े मंत्रीगणों का यह हाल है, छोड़िए बेचारे सरकारी नौकरों का, उनके सबके पास क्या अकल नहीं है कि उसकी कुंठित हो गई अकल, वो सोच नहीं सकते हैं कि ये आदमी है ये पैसे की बातें करता है, ये डायमंड्स की बातें करता है, ये कहता चल लाओ इतना पैसा निकालो। क्या हम लोगों को ये सोचना नहीं चाहिए कि अगर एक सरकारी नौकर के लिए इतना ईमानदार होना ज़रूरी है तो उस परमात्मा की जिसने चाकरी की है उसको कितना ईमानदार होना चाहिए। और डंके की चोट पर सबके सामने वो लोग कहते हुए भी आप, हम तो भाई वारी वारी जावा चले उनके ऊपर रुपया उड़ाने के लिए। हमारे यहाँ औरतें उससे भी बदतर इस मामले में हैं आदमियों से, इसीलिए आदमी औरतों को भी नहीं मानते। कोई गुरु बाबा जी आके बैठ गए, वो प्राइवेटली में ज़रूर औरतों से बात करेंगे। प्राइवेट क्या होता है परमात्मा के मामले? क्या परमात्मा प्राइवेट है? वो शब्द प्रकाशमान, उस परमात्मा का प्राइवेटली बात करने का कौन सा सवाल उठता है मेरे समझ नहीं आता। और हर तरह की चीज़ें आपने सुनी होंगी, अपने मंदिरों में होती है, जो जो बातें सुनी है तो ऐसा लगता है कि हे प्रभु तुम्हारे नाम पर कितना अधर्म मेरे देश में हो रहा है। और बाहर जब जाते हैं तो लोग बताते हैं हाँ 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 रहन दीजिए, आपके यहाँ मंदिरों में आजकल गांजा बिकती है, है? हाँ, महालक्ष्मी के मंदिर में बम्बई में गांजा बिकते हैं। पुलिस से कहो तो कहता नहीं भैया हमारा कोई मतलब नहीं, वो कहते हैं कि आपके मंदिरों में जो हाल है आप जाके अंदर देखिए क्या हाल है। लेकिन हम लोग इस तो और नजर नहीं करते, हम लोग सोचते नहीं कि परमात्मा शुद्ध है, पवित्र है, शुभकारी है। ऐसे अशुभ चीज़ों के तरफ जब हम अपनी नज़र घुमाएंगे तो हमारा भी अशुभ होने वाला है, हमारा क्या शुभ होगा।
सो सबसे पहले भक्ति में ये जानना चाहिए कि आंख खोल करके भक्ति करें। श्री ज्ञानेश्वर जी ने ध्यान पर बहुत कुछ लिखा, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में लोग हाथ में झांझरी लेकर के विठ्ठल 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 विठ्ठल, एक महीना पैदल भूखे ऐसे जाते हैं मुंह में तंबाकू रख के, ये कोई भक्ति हुई? और नहीं तो वो ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट में बाजार से बोदी खरीद के लगाते हैं और ढीली ढाली धोती पहन के वहाँ हरे रामा हरे रामा हरे रामा, वो सारी धोती भी गिरती जाती है। उनसे बात करी तो भी हरे रामा हरे रामा हरे रामा, क्या हो? ये भक्ति नहीं है, ये विडंबना है, ये परमात्मा की विडंबना है। इस विडंबना से आप बच के रहें। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि भक्ति के लिए अनन्य होना चाहिए, अनन्यता आनी चाहिए, और ये अनन्यता आपको सिर्फ आत्म साक्षात्कार से प्राप्त होती है। किसी भी आदमी को आप जिस तरह से मान लेते हैं, ये बहुत बड़ी गलती हम लोग इस देश में करते हैं, जो डॉक्टर वॉरेन नहीं जानते कि हमारे यहाँ तो कोई भी बाबा जी ढाबा जी आ जाए और वो हाथी वाथी ले गया है तो और भी कह ले मैं यज्ञ करने जा रहा हूँ माता जी। मैंने कहा अच्छा फिर क्या, कम से कम 5 डिब्बे का आप मुझे घी दे दीजिए। मैंने कहा जनाब मेरे यहाँ तो आधा डिब्बा क्या पाउंड डिब्बा भी नहीं घी रहता। तो अच्छा फिर कोई जेवरी दे दीजिए। मैंने कहा अच्छा मैं अपने पति से पूछ लूँ, कल आपके पति क्या करते हैं? मैंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं। नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, उठाए अपना बिस्तरा चल दिए। पहले धर्म में पति से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा बाबा रे बाबा, एक बार सीता जी ने अपने देवर की बात नहीं मानी और संकट आ गया, मैं उनसे पूछे बगैर कोई काम नहीं करना। ये चीज़ हमारी जो अंदर एक भोलापन, जिसको कि मैं बेवकूफ़ी कहती, जो आदमी भोला होता है वो अत्यंत कुशाग्र होता है, वो जितना जानता है उतना एक चालाक नहीं जान सकता। लेकिन ये बेवकूफियां जो हम लोग करते रहते हैं सुबह से शाम तक, ये भक्ति कभी भी नहीं हो सकती। दूसरा सवाल ये कि हमारे यहाँ सबने बताया है कि उपास करो। कुछ कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनसे पूछना पड़ता है कौन से दिन उपास नहीं कर रहे, उस दिन खाना खाने आइए। उपास करने को कौन से भगवान ने कहा ये मुझे आज तक पता, कौन से शास्त्र में लिखा कि भाई तू उपास कर, किस लिए आप उपास कर रहे हैं? उपासना ना करिए। जिस दिन भगवान का जन्म हुआ उसी दिन उपास शुरू, जिस दिन श्री गणेश का जन्म हुआ उस दिन उपास करेंगे, श्री राम का जन्म हुआ उस दिन उपास करेंगे, श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस दिन उपास करेंगे। अरे भाई उस दिन कोई मर गया है क्या? बुद्धिमान लोग भी औरतों के चक्कर में स्त्री आचार में फंस के, हाँ भाई ठीक है आज हमारे घर में उपास है, चलो कहीं क्वालिटी में जाके खाए आए, क्यों घर में उपास। इस तरह से अपने भक्ति के ओर जब हम बहुत ही जड़ता से देखते हैं और उसकी गहनता पे नहीं उतर पाते तो भक्ति भी रंग नहीं दे सकते। इस प्रकार अनेक तरह से अनेक विध भक्तियां, जैसे गजलें हैं, अब गजलें कह लें ये भगवान के लिए, मैंने कहा ऐसी कैसे शराब में हो सकती गजलें, ये तो किसी शराबी की लिखी हुई दिखाई देती है, ये कैसे? नहीं वो शराब पी के भगवान में रखते। अच्छा ये तो मैंने सुना नहीं कभी। ऐसी विचित्र विचित्र बातें हमारे अंदर सदियों से चली आ रही हैं, उसी पे हम चलते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर जो आँख परमात्मा को जानने की है वो खुली नहीं। इन सब चीज़ों से अंदर में बसे हुए जितने भी देवता हैं सब नाराज़ हो जाते हैं। हाँ कहने लगे पर शंकर जी भी तो
पीते थे भंग, तो हम पिए तो क्या, आप क्या शंकर जी हैं? वो उन्होंने हलाहल पिया था, पीजिए हलाहल। जिन्होंने हलाहल पिया था वो दुनिया भर का विष अपने अंदर समा सकते हैं, वो तो विष समझ के पी रहे हैं और आप क्या समझ के पी रहे हैं? इस तरह की विपर्यास जो भक्ति है वो आपको कहीं नहीं ले जा सकता। भक्ति में जब अनन्यता आती है तो ध्यान में ही मनुष्य उसका आनंद उठाता है, उसका वर्णन करने योग्य नहीं, क्योंकि उसके लिए शब्द ही संसार में, निरानंद उसमें। इसीलिए कहा गया है कि जब मस्त हुए फिर क्या बोले। फिर कमाल तो यह है कि सारे साधु संतों ने इन सब चीजों पर इतना लिखा है, तब भी हम वही काम करते। कबीरदास जी को ले लीजिए, नानक साहब को ले लीजिए, तुकाराम को ले लीजिए, अरे रामदास स्वामी ने तो ऐसी ऐसी, क्योंकि मराठी में गालियां नहीं है तो मन से गालियां बना बना करके ऐसी गालियां बकी है, मन से ही अपने ऐसी, उसका कोई अर्थ लगता नहीं है। ऐसे साधुओं को, ढोंगी लोगों को उन्होंने कहा, महिषा मर्दिला चंदने, एक भैंस को लाया और उसको चंदन से मल दिया और लगे उसकी पूजा करने भक्त लोग, और जब भैंस ने लात मारी तो कहने लगे कि गुरुजी आपकी कृपा हो गई कि आपने हमें लात मारी। माने उस वक्त भी ये होता होगा शिवाजी के जमाने में। तो इस प्रकार हमारे भक्ति ने इस तरह का विचित्र रूप धारण कर लिया है कि लोगों को बिल्कुल ही विश्वास नहीं आता कि ये ढकोसलेबाजी है या क्या है। एक तरह से आप लोग जो करते हैं वो मैं नहीं कहती कि ढकोसला है, मैं ये नहीं कहती, आप शायद विश्वास करके ही करते होंगे, लेकिन ये विश्वास आपने गलत चीज़ पे कर लिया और उस गलत चीज़ को आपने अपना लिया है जो आपको बिल्कुल गलत पथ पे ले जाता है। अब दूसरा, यहाँ जो मैं देखती हूँ कि सरकारी दिल्ली शहर में तांत्रिकों का भी बड़ा राज्य चल पड़ा, कुछ तो भाग खड़े हुए हैं पर कुछ है अभी यहाँ काफ़ी। अब ये तांत्रिक लोग हमारे भारतीय लोगों में एक नई जो विशेष व्यवस्था आई हुई है उसकी पूर्ति करते हैं। हम लोग किसी को ऊंचा उठते हुए देख नहीं सकते, कोई गया कि उसकी टांग खींचनी चाहिए। तांत्रिक इसके लिए बहुत अच्छे। एक कहावत है या एक कहानी है समझ लीजिए कि कहीं से बिच्छुओं का बड़ा भारी एक प्रदर्शन करना था, हर जगह से बिच्छू गए और भारतवर्ष से भी स्पेशल बिच्छू वहाँ पहुँचे। जिस वक्त में उन्होंने देखा कि एक जो मर्तबान है उसके अंदर ढक्कन ही नहीं, वो कहा भाई इसमें ढक्कन ही बिच्छू आके सबको काटेंगे? कह ले हो ही नहीं सकता, ये भारतवर्ष से आए हैं, एक बिच्छू ऊपर आएगा दूसरा उसको फौरन खींच लेगा। और इसलिए तांत्रिक हमको बहुत सुहाते हैं कि तांत्रिक यहाँ गए और तांत्रिक से कहा भाई देखो वो एक आदमी है उसको ज़रा ठिकाने लगा दो। आपको पता है ये तांत्रिक लोग क्या है? ये राक्षसी विद्या है, आसुरी विद्या है, ये बहुत ऐसी विद्या है जो सारे देश को खा जाएगी। एक तांत्रिक आपको घर में आने दीजिए, सात जन्म तक आप सुख नहीं भोग सकते, इनकी छाया तक अपने तक मत आने दीजिए। थोड़ा सा भी काम वो कर देंगे गंदा, लेकिन ये जो गंदगी छोड़ जाएंगे ये सात जन्म तक नहीं छूटने वाली, मैं आपसे बता रही। हमारे यहाँ एक लंदन में डॉक्टर आए, वो कहा कि साहब मैंने तो काम करना छोड़ दिया, मेरी हालत ख़राब है, मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा क्या तुम किसी तांत्रिक के पास गए थे? कहले नहीं नहीं मैं तो कहीं नहीं गया था। मेरा ऐसा कहने अब मुझे एकदम कार्पण्य आ गया, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एकदम पागल हो गया हूँ, मैं तो नौकरी छोड़ रहा हूँ, बीवी बच्चे सब। तो मैंने कहा तुमको ये बीमारी लग गई? नहीं, कहले मेरे बाबा जाते थे एक तांत्रिक के यहाँ, वो आते थे हमारे घर। मैंने कहा देखा, अरे भाई अभी तक चार जन्म और चलेगा ही।
परमात्मा के नाम पे तंत्र करना परमात्मा का सरासर अपमान, और इस चीज़ में आप लोग मेहरबानी से कभी भी पाँव मत डालिएगा। भक्ति होती है जो कि आत्म साक्षात्कार होती है। तुकाराम ने कहा है कि मैं तो वैसे अणु रेणु से भी छोटा हूँ, लेकिन आकाश कितना बड़ा। सो कैसे, जब ये अणु रेणु आकाश ही में मिल गया तब मैं कहाँ रह गया अनन्य। इनकी भक्ति पढ़िए, बिरहा के गीत गाने वाले लोगों के पास सिवाय रुलाने के और कुछ नहीं, मिलन के गीत पढ़िए। जो मिलन के गीत गाते हैं वही आपको बताएंगे कि आत्म साक्षात्कार चीज क्या होती है। पाँचो पच्चीसो पकड़ बुलाऊं एक ही डोर उड़ाऊं, कितनी अधिकार की वाणी है, अथॉरिटी कितनी है इसके अंदर। जो आत्म साक्षात्कारी होता है वो अथॉरिटी से बोलता है, उसकी अथॉरिटी होती है, उसका अपना अधिकार होता है सब्जेक्ट पर। वो नहीं कि हाँ भाई कोई वो वोट लेने थोड़ी आता है आपसे, हाँ भाई तुम जो भी करो ठीक है, वो भी ठीक है, वो भी अच्छे हैं, वो भी भले हैं। नहीं, जो बुरा है सो बुरा है, जो अच्छा है सो अच्छा है। यह अधिकार की वाणी जहां आपको दिखाई दे समझ लेना चाहिए कि आत्म साक्षात्कारी खड़ा हुआ है। ईसा मसीह को देख लीजिए कि जिनका सिवाय पवित्रता के सिवाय और उनके अंग में कुछ नहीं था, साक्षात ओंकार सो उनका एक वेश्या से क्या संबंध। लेकिन जब एक वेश्या को लोगों ने पत्थर से मारना शुरू कर दिया तो सामने आके खड़े हो गए, कह ले अच्छा तुम से जिसने पाप नहीं किया मुझे पत्थर मारो। किसी की हिम्मत नहीं हुई। ये जो अधिकार वाणी से जो आपको परमात्मा के गीत सुनाते हैं उनको मानिए, ये आपकी भक्ति जो कृष्ण ने कही है कि भक्ति मार्ग से भी और कर्म मार्ग से भी मनुष्य परमात्मा के पास आ सकता है। वो इस वजह से कि दोनों से जब वो ये समझ ले कि इससे परे कोई चीज़ है तभी वो ज्ञान को प्राप्त हो सकता है। ज्ञान को प्राप्त होने का मतलब ये नहीं कि कोई पंडित हो जाए। आपको आज ही एक केस बताऊं कि एक देवी जी मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि माँ देखो मेरी माता जी ने एक महाशय जी को, वो गुरुद्वारे जाते थे, उसको देखा और उसकी परीक्षा ली तो वो ग्रंथ साहब वगैरह खूब अच्छे से जानते हैं, गुरुद्वारे में जाते रहते हैं, ये वो करते हैं। उसका कि ठीक है, उसने कहा मैं तुम्हारी लड़की शादी करता हूँ, मेरी शादी करा दी। उसकी पहली एक बीवी है, बच्चे हैं, रोज़ लड़कियाँ लेके आता है, किसी की मोटर बना के लाता है, सबको बेवकूफ़ बनाता है, मेरे माँ से भी पैसा ले लिया और सारा उसको रट गया है, अखंड पाठ वगैरह करता होगा तो वो बड़ा अच्छा आदमी उनको लगा। ये ज्ञान नहीं होता है, ये ज्ञान नहीं। ज्ञान आपके नसों में महसूस होना चाहिए, इससे आपको जानना चाहिए कि ये शक्ति जो सारे ऋतु बदलती है, जो सारे जीवंत कार्य करते हैं, वो शक्ति हमारे चारों ओर है। जब भक्ति और कर्म का मेल होता है ऐसा कहा गया है, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। कि जब आप भक्ति को कर्म में इस्तेमाल करते हैं, पर अपने ऐसा नहीं, जो भक्ति वाले भक्ति वाले, कर्म वाले वो कर्म वाले। आज आपने भक्ति करी, श्री राम की भक्ति करी, ठीक है, लेकिन आपको ये भी देखना चाहिए कि जब हम श्री राम की भक्ति कर रहे हैं तो उसके साथ हमारे कर्म कैसे हैं। क्या हम श्री राम जैसे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे हम हैं क्या? हम वाचा से, मन से, बुद्धि से, कर्म से, हम क्या श्री रामचंद्र जी जैसे हैं? अगर नहीं हैं हम तो हमारा मेल नहीं बैठा। अब सहयोग में दो नाड़ियां जो बताई गई, ईड़ा और पिंगला, इनका मेल जब सर में होता है तो इनसे भक्ति से या जिसे कहते हैं सुसंस्कारों से या कुसंस्कारों से
जो कार्य हम करते हैं उससे हमारे अंदर जो संस्था तैयार होती उसे आप मन कह लीजिए। और कार्य में जो हम अपने को व्यस्त करते हैं उससे जो संस्था तैयार होती है उसे आप अहंकार कह लीजिए। अहंकार और प्रत्यहंकार दोनों ही हमारे सर में जाकर जब मिल जाते हैं तब इस तालु भाग में आप देखिए कि तालु भाग में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, वहाँ हड्डी जो है 12 साल के उम्र के बाद एकदम मजबूत हो जाती, वो जो नरम हड्डी होती है वो मजबूत हो जाती। यहाँ अब हमने देख लिया कि किसी के अंदर भक्ति ज़्यादा है तो वो तो और ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि भक्ति अगर यहाँ तक आ जाए और अगर अहंकार यहाँ तक आ जाए तो ऐसे आदमी को जागृति देना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। लेकिन धर्म तभी होता है जब मनुष्य जिसकी भक्ति करता है उसके जैसा हो जाता है, उसके जैसे कर्म करता है। तो एक साहब हमें मिले, मैंने कहा कि आप श्री राम के भक्त हैं, आपने अपनी पत्नी क्यों छोड़ दिया? श्री राम ने भी तो पत्नी को छोड़ा था। अच्छा, और जो उसके पीछे रोते रोते घूमते घूमते लंका जी गए थे उसका क्या हुआ? वहाँ तक हम नहीं जा सकते। आपने 5 पत्नियाँ क्यों कर ली? श्री कृष्ण ने भी तो की थी, लेकिन वो तो योगेश्वर थे, उन पे तो कोई चीज़ छाती नहीं थी। तो हम तो उनको मानते हैं, तो हम तो इस मामले में उनको मानते हैं साहब, वो बात अच्छी करी उन्होंने 5 बीवियाँ कर ली। इस प्रकार जो निर्बुद्ध लोग होते हैं जिनको कि मूढ़ कहा जाता है, मूढ़ लोग, वो भक्ति नहीं कर सकते और नहीं वो धर्माचरण कर सकते। यही धर्म का आचरण है कि जिसको आपने भक्ति से माना है उसके जैसा अपना आचरण करिए। अब ज्ञानेश्वर जी जैसे आदमी, इनके के लिए कहती हूँ मैं कि साक्षात कोई ब्रह्मस्वरूप इतना पवित्र जीव संसार में आया और उन्होंने ध्यान की ही विधि बताई है, समझ लीजिए, और उस पर उनके जो बड़े बड़े मंदिर बनाए वहाँ उनकी मूर्तियाँ खड़ी की है, उसके आगे हमारे यहाँ कहते हैं डिंडी करना माने राम 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 चले हुए। सब लोग आते हैं अपनी वो चोपी ओपी उतार के गंजी पहन के, सबका चला है राम 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 हाथ में लेजिम लेकर। और मैंने कहा भाई हमको एक दिन के लिए हॉल दे दो, हम यहाँ ध्यान करना चाहते हैं। ध्यान व्यान यहाँ नहीं करने का, यहाँ सिर्फ आप डिंडी कर सकते हैं। मैंने कहा साहब वो जो बैठे हैं सामने ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने कौन सी डिंडी की थी? कहले वो ज्ञानेश्वर जी थे पर उन्होंने कहाँ लिखा है कि आप डिंडी करिए, उसे क्या मतलब है, हम लोग तो डिंडी ही करते। मैंने कहा अच्छा नमस्कार, अगर ये आज जीवित होते तो हम आपसे बताते कि आप क्या हैं, निरे मूर्ख हैं और महामूर्ख हैं। कभी कभी इस तरह की गलत भक्ति से हम लोग अपना नर्क का रास्ता बना रहे हैं, इसलिए सजग हो जाना चाहिए और सतर्क हो करके हमें समझना चाहिए कि हमारे भक्ति में कहाँ दोष आ रहा है। अब सबसे बड़ा दोष भक्ति में इस तरह से आता है कि जब श्री राम आए तो उनसे कहने लगे हम तो भाई परशुराम को मानते हैं, परशुराम ही अच्छे थे क्योंकि मर गए ना। श्री कृष्ण आए, हम श्री कृष्ण तुमको नहीं मानते, हम श्री राम को मानते हैं, हो गया। जीसस आए, हम तुमको नहीं मानते, हम मोसेस को मानते हैं, क्योंकि जो मर गए वो अच्छे अपने जेब में रहते हैं, एक प्लास्टिक का फोटो लगा लिया काम खत्म। लेकिन वो प्लास्टिक का फोटो आपको कहाँ ले जाने वाला है, ये किस चीज़ का तमगा लगाया है आपने, ये समझ लीजिए। और फिर कहते हैं कि हमने माँ इतनी भक्ति करी और हमारा ऐसा हाल क्यों? तुम तो कहती हो कि हृदय में शिव का स्थान है, हम शिव भक्त हैं और हमें हार्ट अटैक क्यों आ गया? उसकी वजह ये कि शिवो हम ऐसी वलगना आपने क्यों करी? क्या आप शिव हो गए? क्या आपने आत्म साक्षात्कार पाया
मैं आत्मा हूँ ऐसे चिल्लाने से वो शिव भी आपसे नाराज हो गया। राम 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 कहने से रामचंद्र जी कहते बाप रे बाप इसे बचाए रखोगे तो हदोगे। जिसकी आप उपासना करते हैं वही चक्र आपका पकड़ जाता है, आश्चर्य की बात है। और उसी से हम पूछते हैं क्या आप शिव को मानते हैं, माता जी आपने कैसे पहचान लिया? अरे भाई जैसे भी पहचान तुम्हारे चक्रों से पहचान रही हूँ, कोई इसमें विशेष ज्ञान की जरूरत नहीं है। जिसकी आप उपासना करते हैं और उसके अनुसार आप कर्म नहीं करते हैं और बेकार में उनका बैठ करके भजन करना सुबह से शाम तक, भजन करना चाहिए, मैं ये भी नहीं कहती भजन नहीं करो, पर अगर भजन करने से परमात्मा नहीं मिलने वाले, भज 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 करने से नहीं मिलने वाले, मिलने वाले हैं आत्म साक्षात्कार से, जहाँ आत्मा का प्रकाश हमारे चित्त में आ जाता है, तब हम जानते हैं कि श्री राम जो है वो कहाँ बसे। अब आप देख लीजिए, मैं आपसे बताती हूँ, जो दत्तात्रेय गुरु को मानते हैं उनके पेट में दर्द होता होगा, जो श्री राम को मानते हो उनको ज़्यादातर लंग्स की बीमारी हो जाएगी, जो शिव जी को मानते हैं उनको अधिकतर हार्ट अटैक आ जाएगा। अब ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपने कोई ना कोई गलत काम कर लिया। सहजयोग जो है एकदम विशद और साफ खुला हुआ है। सहजयोग की भक्ति में हर चीज आप जानते हैं कि आप क्यों कर रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, ये मंत्र आप आज क्यों कह रहे हैं, उसका आपसे क्या संबंध है, उसका जनसाधारण से संबंध क्यों है, क्या है, क्योंकि आत्म का तो ज्ञान हो ही जाता है स्वयं का, लेकिन आपको सामूहिक ज्ञान भी हो जाता है। इस भक्ति के स्वरूप को बदलने का अब तरीका ऐसा आ गया है कि लोग कहते परमात्मा ही नहीं है। अल्जीरिया में कुछ लोगों ने, ये फंडामेंटलिस्ट लोगों को देखकर सोचा कि इस तरह के परमात्मा को मानने से तो अच्छा है कि छोड़ दिया जाए और कम्युनिज्म ले लिया जाए। पर उनमें से एक लड़का बड़ा विद्वान गलती से कहीं हमारे यहाँ चला आया सहयोग में, और उसने जाके बताया नहीं 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 भगवान है लेकिन इनके तरीके ठीक नहीं। जो लोग परमात्मा में विश्वास करते हैं वो फैनेटिक्स हो ही नहीं सकते। और जो आत्म साक्षात्कारी हैं वो कभी भी आपको अलग अलग होने की शिक्षा दे ही नहीं सकते। जैसे अभी हम औरंगाबाद गए थे, वहाँ बड़ा भारी झगड़ा खड़ा हो गया, हालांकि उसमें गलती थी इन लोगों की, लेकिन जो झगड़ा शुरू किया वो ऐसे कि बाजा बजाते हुए वो मस्जिद के सामने से जा रहे थे। मैंने कहा मस्जिद में ध्यान होता है, कुछ भी हो तुम उसका मान रख लो, जहाँ परमात्मा की बात होती है, क्या आपको पता है कि जब मोहम्मद साहब ने अल्लाह हो अकबर कहा था तो अकबर माने विराट माने श्री कृष्ण की बात की थी? क्या आपको पता है कि जब जीसस ने अपने बाप की बात की थी तो ये दो उंगलियां जो कि विष्णु और कृष्ण की है उनकी बात की थी? क्या आपको पता है कि मोहम्मद साहब साक्षात दत्तात्रेय का अवतरण है जो महामेधा करके संसार में आए थे? लेकिन अगर किसी मुसलमान को कहो तो छुरी लेके लग जाएगा और किसी सिख को कहो तो बंदूक लेके लग जाएगा कि नानक साहब और मोहम्मद साहब एक ही चीज थी, ये तो बात कितने ही सिख लोग जानते हैं पर क्या उसे मानने को तैयार हैं? वो दो कैसे हो सकते हैं? इतना ही नहीं, लेकिन मोसेस जूस में और मुसलमानों में इतना झगड़ा पड़ा हुआ आप जानते हैं, ये भी वही चीज थे दत्तात्रेय। आज जिन्होंने हमारे गले में हार डाला है ये जू जाति के डॉक्टर साहब, और ईसा मसीह को वैसा ही मानते हैं जैसे मोसेस को या इब्राहिम को मानते हैं।
या जैसे डेविड को मानते हैं, कहीं उनसे भी ज्यादा, क्योंकि आज्ञा पे उनका स्थान है। क्योंकि आपने इन लोगों का घर देखा नहीं, इनके रिश्तेदारी आपने जानी नहीं, इसलिए आप फैनेटिक बन के ये इससे लड़ रहा उससे लड़ रहा। अरे ये तो सब पक्के रिश्तेदार हैं, इनकी रिश्तेदारी ऐसी है जैसी चांद और चांदनी की रिश्तेदारी होती है, या सूरज की रोशनी और सूरज की होती है, जैसे शब्द और अर्थ की रिश्तेदारी होती है ऐसी नज़दीक इनकी रिश्तेदारी है। खबरदार, जो इनको अलग करके आपने बात की है उसके फल आपको भोगने पड़ेंगे। जो इन लोगों ने कार्य करे हैं उसको भी लोग संशोधित दृष्टि से देखते हैं कि मोहम्मद साहब के ज़माने में इतना युद्ध, इतने गधे लोग थे वो, अब वो क्या बताया जाए। मोहम्मद साहब को तक उन्होंने जहर पिलाया था, उस वक्त उन्होंने ये सोचा कि औरतें इतनी ज़्यादा हैं और आदमी इतने कम हैं, तो विवाह संस्था को विशेष रूप देने के लिए विवाहित ही औरत होनी चाहिए और उसे शादी कर लेनी चाहिए। अगर आज पुरुषों की संख्या अगर बहुत बढ़ जाए तो अपने यहाँ दक्षिण में हुआ है ऐसे कि एक स्त्री का विवाह चार आदमियों से कर देते थे कि विवाह की संस्था बनी रहे, क्योंकि विवाह एक सामूहिक सैंक्शन है। वो जमाना बीत गया, अब उसके कर रहे हैं। जो शरीयत की बात कर रहे हैं, आपको शायद पता नहीं होगा कि ये मोसेस ने बनाया था उस वक्त जबकि जूस ने अधम से अधम, जिसको डिकेडेंस कहते हैं, वो करना शुरू कर दिया। तब उन्होंने बनाया था। अगर बाइबल में आप यिर्मयाह नाम का चैप्टर पढ़ें तो उसमें साफ लिखी है शरीयत क्या चीज़ है। जो मोसेस ने बनाई थी जूस के लिए, उसको चला कौन रहे, तो मुसलमान, क्योंकि पांच इंजिल की किताबें जो है वो इन्होंने लगा रखी। वही पांच इंजिल ईसाई इस्तेमाल करते हैं, वही पांच इंजिल जूज इस्तेमाल करते हैं, वही पांच इंजिल मुसलमान भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिसके लिए बनाया था वो थे जूज, तब तो मुसलमानों का पता भी नहीं था। और अब उस शरीयत को कौन मान रहे हैं, तो मुसलमान। ऐसे ही हमारे हिंदुओं के तरीके बड़े अजीबो गरीब हैं। एक तो मैंने कहा कि अब हिंदू शब्द ही निकाल सकते हैं तो निकाल दीजिए, क्योंकि तो अलेक्जेंडर ने अपने को हिंदू कहा, हम लोग तो भारतीय हैं। अलेक्जेंडर जब सिंधु नदी पे आया तो इन लोगों को कुछ कुछ शब्द बोलने नहीं आते, हिंदू को उसने सिंधु कह दिया, सिंधु को उसने हिंदू कह दिया, और सब लोग हिंदू के इधर रहने वाले लोग सब हिंदू हो गए। और इस तरह से हम लोग हिंदू हो गए। इसमें आस्तिक है, नास्तिक है, आर्य समाजी है, फलाने हैं, डिकाने हैं, सब हिंदू हैं। हम लोग भारतीय हैं प्रथम, ये हमारी अनादि संस्कृति चली आ रही है। अलेक्जेंडर तो अभी अभी आए थे थोड़े दिन पहले ईसा से पूर्व, तो हमारे लिए भारतीय शब्द तो पुराना हो गया और ये हिंदू शब्द पक्का बन गया, और इसकी गला काटने उसका गला काट। इतनी महान हमारी परंपराएं हैं जिसके दम पर सारा संसार उठ सके। किसने नहीं इसकी महती गाई? क्या आप कुरान को पढ़ के देखें? उन्होंने तक रूहानी जिंदगी कुंडलिनी को असस कहा हुआ है। अब नानक साहब तो साक्षात उसी पर खड़े हुए हैं, बुद्ध उसी संस्कृति पर खड़े हुए हैं, उनमें कोई झगड़े नहीं। हम लोग इतनी बेवकूफी कर रहे हैं, वो तो सब एक बैठे हुए हैं वहां, और यहां इंसान ने उनके नाम पर, आप ऐसे मारिए काटिए वो तो आदत है हम लोगों की, पर कम से कम परमात्मा के नाम पे मत करिए। ये गलत फहमी हमारे अंदर है। अब
तो भी जान लीजिए, एक ही जिंदगी ये है, बहुत ज़रूरी और ये समय ज़रूरी है। इस वक्त जान लीजिए कि इस वक्त अगर पार नहीं हुए गए फिरा। नानक साहब ने क्या कहा था, कहे नानक बिन आपा चीने मिटे न भ्रम की काई। और इससे ज्यादा क्या कोई कह सकता था, जो मैं कह रही वही तो वो कह गए थे। इतनी बात थी कि उस वक्त आत्म साक्षात्कार का कार्य नहीं हो पाया था, लेकिन सब वो तो हमारे ही अपने हैं जिनका नाम लेते ही चैतन्य की लहरियां बहने लगती। ऐसे श्री गुरु नानक के नाम पर कोई भी आदमी चाहे तो पार हो सकता है। ऐसे श्री राम, ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे ईसा मसीह, ऐसे मोहम्मद साहब, ऐसे महावीर, ऐसे बुद्ध, इतने बड़े बड़े अवतरण इस देश में हुए और हम लोग अभी भी क्यों इस हालत में है। इसके ऊपर यही कहा जाता है कि योग साधन नहीं किया, जो बता गए सो नहीं किया, जो कह गए वो किसी ने किया नहीं, बेकार की चीजें कर। जैनियों से पूछा कि क्या कर रहे हो तुम लोग मंदिर बना बना करके, ये गंदे वाले ऐसे गंदे मंदिर बनाते, उसमें गंदी गंदी मूर्तियां बनाते, ये क्यों बना रहे। कहले इसलिए ऐसे कि महावीर साहब तो कह गए कि आप ध्यान करो, पर बात यह है कि ध्यान करने से शूद्र सिद्धि आती है इसलिए मंदिर बना रहे। अरे भाई अब आओ, अब पार हो जाओ। पार हो जाते, पार होना चाहिए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होना चाहिए। सीधा हिसाब यह है कि बहुत गलत रास्तों पर परमात्मा को खोजने वाले भटक गए। और एक माँ का हृदय जो है दारुण दुख से कभी कभी रोता है कि ये तो सब मेरे ही बेटे कहाँ चले गए। चाहे वो अपने को मुसलमान कहें, सिख कहें, हिंदू कहें, ईसाई कहें, कोई भी कहें, मैं जानती हूँ ये सब परमात्मा को खोजने वाले। अंधकार में जब आप चले जाते हैं तो आप ये भी नहीं देख पाते कि आपके नज़दीक कौन बैठा है, इसके ऊपर कोई कुत्ता तो उसके ऊपर कोई कुत्ता। प्रकाश में आप देख लेते हैं कि सब वहीं बैठे हैं, सब इत्मीनान से बैठे हुए हैं, सब वहीं परमात्मा की बात कर रहे हैं। तो भक्ति जिसे है वो कभी भी किसी भी तरह की ऐसी तीव्रता नहीं ला सकता। भक्ति तो प्रेम का रस है, और जिस आदमी में सतत प्रेम बहता है वो प्रेम से ही सबको बांधते जाता है, प्रेम के ही अवगुंठन में वो लपटते जाता है। प्रेम का जो आह्लाद है उसमें वो झूमते रहता है, क्यों बेटे तुमने अपनी जिंदगी ऐसी बर्बाद बना ली, क्यों अपने ही घरौंदों में बैठ करके अपने ही जेल बना रहे हो, उसमें कुमलाए जाओगे, उसमें खत्म हो जाओगे। मैं तुमसे खास खास विशेष शब्दों में विशेष प्रेम आग्रह के साथ ये कहती हूँ कि आत्म साक्षात्कार को पाओ और उसके बाद उसके प्रकाश में अपने गौरव को देखो और उनके गौरवों को देखो जो तुम्हारे लिए ये सब बना रहे हैं। ये सुंदर सा मंडल जो तुम्हारे लिए बना दिया है उसको देखने के लिए सिर्फ तुमको थोड़ा सा चलना होगा और ये मानना पड़ेगा कि बाकी सब व्यर्थ है। सूरदास जी ने जैसे कहा था कि सब सुरसागर लिखने के बाद कहते हैं कि सूरदास की सभी अविद्या दूर करो नंदलाल। इसी प्रकार निरपेक्ष हो करके, एक बच्चों जैसे हो करके आप आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुई। ये भक्ति का फल है, ये कर्म का फल है, जो कि आप ज्ञानमय हो जाते हैं। परमात्मा आप सबको आशीर्वाद। आज फिर से हम आत्म साक्षात्कार की व्यवस्था सोचेंगे और आशा है आप लोग फिर से जैसे कल बहुत अधिक मात्रा में पार हो गए थे उसी तरह से फिर हो जाएंगे। आज भी बहुत लोगों के मन में प्रश्न उठे होंगे, विषय मैंने बहुत सहज सरल तरीके से आपके सामने रखा है, सिर्फ ये जान के कि माँ बहुत आर्त
और अत्यंत करुणा से भरी हुई है, और इसीलिए वो बार बार कहती है कि बेटे आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हो जा। कोई मेरी बात का बुरा नहीं मानना कृपया, और अगर कोई आपको प्रश्न हो तो फिर से आप पूछ लीजिए, जिसका मैं ज़रूर उत्तर दूँगी। एक प्रश्न था कि क्या सहयोग से बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं? हो जाती हैं जब कुंडलिनी जागरण होता है, मैं कल इस पर बताऊँगी, तो आपकी बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, अनेक बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं, हो भी गई, लेकिन हम बीमारी ठीक नहीं करते, हम कुंडलिनी का जागरण करते हैं। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो उससे आपकी बीमारी ठीक हो जाती है, आपकी कुंडलिनी आपको ठीक कर देती है। इसलिए जो लोग अपनी बीमारी भी ठीक करना चाहते हैं उनकी भी कुंडलिनी जागृत होनी चाहिए। एक प्रश्न था कि क्या स्वस्थ लोगों को ही कुंडलिनी का जागरण होता है? सो बात नहीं, स्वस्थ स्व में स्थित करने के लिए ही कुंडलिनी का जागरण है। जैसे भी हो, जो भी हालत, जो भी अवस्था हो, कुंडलिनी का जागरण करना ही है और होगा। ऐसे विश्वास के साथ आप बैठे, अपने प्रति कोई भी न्यून भावना न रखें। आपको मैंने अपना बेटा माना हुआ है, बेटी माना हुआ है, और उसी के बूते पर ये सोचती हूँ कि आपको सबको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना है। किसी भी तरह से अपने लिए न्यून भावना न रखें, किसी तरह से अपने को नीचा न गिराएं। कोई भी माँ को अगर दुख देना हो तो ये कहा जाता है कि मैं बेकार हूँ, मैं बर्बाद हूँ, तो फिर माँ रोने लग जाती है। सो माँ को प्रसन्न करने के लिए एक ही बात जान लेनी चाहिए कि आप सब परमात्मा के मंदिर हैं। मेरे पे विश्वास करें, इतने बात का मेरे ऊपर विश्वास करें कि आप सब परमात्मा के मंदिर हैं। कोशिश करनी है, मेहनत करनी है, सो करेंगे। जो आपकी माँ को प्रसव वेदना हुई थी और तकलीफ हुई थी, वो आपने उठाई नहीं थी। एक साहब कहते कि मेरे सर में से 5 बॉम्ब जैसे फूटे। अब पता नहीं कौन से गुरुओं के पास इन्होंने बॉम्ब भरे हुए थे। अभी ये तो नया ही सुना मैंने, हाँ गर्मी शर्मी तो बहुत आती है। और एक साहब ऐसे थे कि वो मेरे सामने दोनों पैर करके बैठ गए, तो मैंने कहा, इन लोगों ने कहा कि भाई कम से कम माँ की तरफ पैर करके नहीं बैठते। तो उनका नहीं, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, जब मैं गोद डाल के बैठता हूँ तो मैं मेंढक जैसे कूदता हूँ। तो मैंने कहा कि ये कैसे कह ले, मेरे गुरु ने ये कहा है कि जब तुम्हारी कुंडलिनी जागृत होती तुम मेंढक जैसे कूदते हो। मैं कहाँ, वो किताब ला के दिखाई साहब, विष्णु तीर्थ उन गुरु का नाम, कि आपकी जब कुंडलिनी जागृत होती तो आप मेंढक जैसे कूदते हैं। मैंने कहा हे भगवान, क्या अब आप मेंढक होने वाले हैं कि बिच्छू की सांप, हद हो गई। फिर उनको उतारा, उनका मेंढक बना उतारा, इंसान बनाया, और उसके बाद उनको भी पार करा दिया। तो इस तरह की भ्रांति की जो कल्पना है वो छोड़ करके जानना है कि आज हम मनुष्य स्थिति में आए हैं, और अति मानव होने के लिए थोड़ा सा ही काम है, और अगर माँ माहिर है तो वो कर लेती है। फिर किसी ने पूछा है कि माँ आप कौन है? सो मुझे कहना, मैं जो हूँ सो हूँ, आप इसको पहचाने। मैं कुछ नहीं कहने वाली कि मैं कौन हूँ, डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन मैं आपको नहीं बताने वाली। आप मुझे कहें सूली उली पे चढ़ा दे तो काम कौन करेगा? साहब बेवकूफ़ों से पाला है, इसलिए मैं कुछ नहीं बताने वाली, तुम लोग खुद ही जान लो कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या काम है। धीरे धीरे सब समझ जाओ, लेकिन शुरू में अपने ही को जान लो तो बहुत है, ठीक है। बहुत से प्रश्न जितने मेरे से बन पड़े सबके उत्तर हो गए, और भी अगर कोई प्रश्न रह गया हो तो आप लिख के दे दीजिए, कल फिर उनका उत्तर मैं दे दूँ।
एक बात है कि जो लोग ऐसे बैठे हैं जिनको मैं दिखाई नहीं देती हूँ, वो कृपया सामने आके बैठ जाएं आराम से, जगह काफ़ी है आज, और पार हो जाए, कोई भी बीच में उठ के न जाए, जिनको जाना है चले जाएं। ये ज़बरदस्ती से होने नहीं वाला, बड़ी मेहनत की चीज़ है, और ऊपर से आप ज़बरदस्ती करें, कोई अगर आदमी कहे कि मैं मगर के पीठ पे बैठा रहता हूँ तो उसको नाव में कैसा खींचा जाएगा। इसलिए कोई पे ज़बरदस्ती नहीं हो सकती, समझदारी से ये मांगना होता है। Bring another light here at my feet, that kind. Pardon? Yes, just bring that light. Hello? That light to bring down below. Down below you put it. Bring the light on my feet. That light. हाँ, अब आपको आराम से बैठना है, बिल्कुल आराम से, इत्मीनान से बैठिए। सहजासन जिसे कहते हैं, मतलब ये कि दोनों पांव एक के ऊपर चढ़ाए ना जाए, और इस तरह से बैठा जाए कि कोई भी शरीर का बोझा अपने पांव पर महसूस ना हो। शरीर को, जिस्म को पहले सीधा कर लिया जाए, और गर्दन ऐसी ही सीधी रखी जाए, पर उसमें कोई तनाव नहीं होना चाहिए। जैसे हम सर बैठते हैं उसमें कोई तनाव नहीं होना। अब दोनों हाथ इस तरह से आप अपनी गोद में आराम से रख लीजिए। जैसे मैंने कल बताया था, ये 5, 6 और 7 चक्र हमारे ईड़ा नाड़ी के हैं, जो हमारी इच्छा शक्ति है, और ये 5, 6 और 7 ये चक्र हमारी पिंगला नाड़ी के हैं, जो हमारी कार्य शक्ति है। दोनों के मेल से जो तैयार होते हैं वो हैं चक्र, और इनके बीच जो नाड़ी दौड़ती है वो सुषुम्ना नाड़ी है। ईड़ा पिंगला सुखमन नाड़ी रे, बता गए कबीरदास जी। अब इन दोनों हाथों में एक हाथ जो है वो इच्छा शक्ति का है, इसलिए आप मेरे ओर करे हुए, और दूसरा हाथ जो है वो क्रिया शक्ति का है, इसलिए उसको हम इस्तेमाल करेंगे और जानेंगे कि कुंडलिनी का जागरण कैसे करना चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी तो जागृत हो भी जाएगी, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि एक छोटी सी उसकी शक्ति, एक केश मात्र ब्रह्म नाड़ी में से निकल करके और ब्रह्म रंध्र को छेदती है, तो ज़रूरी है कि उसके आधार के लिए और भी नाड़ियाँ उठाई जाएं, और कभी कभी वो नाड़ी भी फिसल के गिर जाती है, उसको फिर भी चढ़ाना पड़ता है,
यही सहयोग के बाद एक कार्य जरूरी करना पड़ता है। इसलिए हालांकि आपको आत्म साक्षात्कार घटित हो जाएगा, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से एक वृक्ष बनाने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि कुंडलिनी क्यों गिर जाती है, कुंडलिनी में कौन सा दोष आता है, क्यों हमारे अंदर कुंडलिनी स्थित नहीं होती है, और उसको जानने के बाद क्या करना चाहिए, उसका निदान जिसे कहते हैं डायग्नोसिस हो जाना चाहिए, और जो कुछ भी करना है वो भी आपको बता दिया जाएगा। इसलिए आपको हमारे केंद्रों में आना चाहिए। विशेष रूप से जो नए लोग आए हैं उनके लिए विशेष रूप से एक दिन हफ्ते में रखा गया है, जो पहले पहले मर्तबा अभी जागरूक हुए हैं उनको समझाने के लिए कि ये शास्त्र क्या है। पर आपको आना होगा, उसमें अपना बड़प्पन छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि कोई हमारे यहाँ एयर कंडीशन आश्रम वगैरह नहीं, किसी ने धर्मात्मा होकर के एक जगह दे दी है, वहाँ पे आश्रम खोल लिया, तो जैसी भी जगह है माँ की जगह, माँ गरीब है, चलो कोई बात नहीं, आप लोग ज़रूर वहाँ आइए और इसको सीख करके माहिर हो जाइए, निष्णात हो जाइए, और उसके बाद आप स्वयं एक गुरु हो जाइए, और एक से हज़ार, हज़ार से हज़ारों ऐसे दीप इस देश में जलकर इस देश की दिवाली बहुत जल्दी मनाई जा सकती है। परिवर्तन के सिवाय कोई इलाज नहीं। अब आप इस हाथ को, जैसे मैं बताऊंगी बाद में, अपने हृदय पे रखना होगा। इसको दाहिना हाथ हिंदी में कहते हैं, व्हाट डू यू से इन पंजाबी, आई डोंट, पंजाबी में सज्जा हाथ इज अ बेटर वर्ड, सज्जा हाथ, ये कार्य शक्ति करता। मैंने पहले पंजाबी जानती थी, अब भूल गई, सज्जा हाथ, सज्जे हाथ को आपको इस्तेमाल करना है, और लेफ्ट हैंड जो है पूरी समय इसी तरह से रखना है, और पूरा काम भी लेफ्ट साइड में ही करने का, बस इतना याद रखें। पहले हृदय में रखना हाथ, उसके बाद पेट के ऊपरी हिस्से में, वो भी बाईं ओर, बाईं को क्या कहते हैं, बाया कहते, खब्बे ओर, और उसके नीचे भी, पेट के नीचे के हिस्से में भी खब्बे ओर, बाईं ओर, लेफ्ट साइड, फिर इसको ऊपर फिर ले आना, फिर हृदय पे रखना। अब ये विशुद्धि चक्र जो है इसकी लेफ्ट साइड में, ये समझ लेना चाहिए, हाथ इधर से नहीं जाना है, सामने से यूं यहाँ पर इस तरह से दबा करके पकड़ा जाए, ये विशुद्धि चक्र। उसके बाद माथे पर इस तरह से आड़ा हाथ रखने का है, दबा लेना है। ये आज्ञा चक्र की सामने की खिड़की है, और आज्ञा चक्र की पीछे की खिड़की जो है वो पीछे में जो ये सर का हिस्सा है उस पर बोझा डाल के सर को थोड़ा ऊपर उठा लेना है। उसके बाद हाथ का तलवा, उसको बहुत ज़ोर से इस तरह से फैलाकर इसके बीचों बीच, तलवे के बीचों बीच की जगह जो है वो बराबर आपके तालू के ऊपर जमा कर रखिए, और ऐसे ही उंगलियां ऊपर करके दबा के उसे आपको 7 बार घुमाना है, बस इतना काम। ध्यान के बीच में आँख नहीं खोलना है, आँख खोलना नहीं, ध्यान के बीच में आँख बंद रखें, क्योंकि चित्त है वो आँख के खोलने से थोड़ा बाहर की ओर जाता है, क्योंकि हमें मेस्मरिज्म तो है नहीं,
जैसे समझ लीजिए चित्त ये है, इसमें से कुंडलिनी इस तरह से पहले ऊपर चढ़ती तो चित्त अंदर की तरफ खिंचता चला जाता है, और जब वो ब्रह्मरंध्र में जा करके भेदन करती है तब इसी चित्त में उसका प्रकाश फैलने लग जाता है। लेकिन ब्रह्मरंध्र के ऊपर सदाशिव का स्थान माना जाता है, परमात्मा का स्थान, निराकार का स्थान माना जाता है। उसको छूते ही साथ हमारे हृदय में उसका जो प्रतिबिंब आत्मा स्वरूप है वो जागृत हो जाता है और हमारे चित्त को आलोकित कर देता है। ये सब आपके साथ होगा, धीरे धीरे इसका पड़ताला आप लीजिए, इसको आप समझें पाए और जानिए, आपको आश्चर्य होगा कि आप क्या चीज़ हैं। जैसे मैंने कल कहा था कि एक गांव के लोगों को ले जा के टीवी दे दीजिए तो कहेंगे ये क्या डब्बा लेके चले आए, आप कहेंगे अच्छा अभी देखो इसमें से सब आपको चित्र दिखाई देंगे दुनिया भर के, और आप उसको मेंस में लगा दीजिए तो उसके कमालात देखिए। इसी तरह से आप पूर्णतया बनाया हुआ बड़ा सुंदर परमात्मा का यंत्र है वो चालित हो जाता है। अच्छा अब इसको मेरी ओर ऐसे रखें, अपनी तरफ प्रसन्न चित्र है, अपने को माफ़ करें, अपने को बुरा भला न कहें, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे आप में अपने आत्मविश्वास में कोई त्रुटि आ जाए, कोई दोष आ जाए। अब अपना राइट हैंड आप हृदय पे रखें और आंख बंद कर लें। जो लोग कुर्सियों पे बैठे हैं वो जूता उतार लें। इस वक्त आंख बंद कर लें, चश्मा वगैरह उतार लेना अच्छा है क्योंकि आँखों को भी इससे फ़ायदा होता है। अब यहाँ पर हाथ रख के, हृदय पे हाथ रख के एक सवाल मुझसे पूछा जाए, श्री माता जी क्या मैं आत्मा हूँ? जैसे एक कंप्यूटर से सवाल पूछते हैं इस तरह से आप सवाल पूछ रहे हैं, क्या मैं आत्मा हूँ? तीन बार सवाल पूछें। अब दूसरा सवाल इसी के साथ जुटा हुआ है, अगर आप आत्मा हैं तो आप स्वयं के गुरु भी हैं, तो इस खब्बे हाथ को, सच्चे हाथ को, राइट हैंड को आप पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर रखें, सच्चा हाथ, यहाँ पर आप दूसरा सवाल मुझसे करिए, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? सवाल करिए जो आप हैं, लेकिन सवाल करिए। अब इस हाथ को आप पेट के निचले हिस्से में बाईं ओर रखें, दबाकर, और सवाल तो नहीं
पर यहाँ आपकी स्वतंत्रता को मैं स्वीकार्य करके कहती हूँ कि इस चक्र पे आपको कहना होगा कि श्री माता जी मुझे आप शुद्ध विद्या दीजिए। ये चक्र परमात्मा के कायदा कानून और उनके सारे टेक्निक का केंद्र है, वो सब ज्ञान शुद्ध विद्या कहलाता है। इसलिए कृपया आप लोग नम्रता पूर्वक 6 मर्तबा कहिए, क्योंकि यहाँ 6 पंखुड़ियाँ हैं स्वादिष्ठान चक्र की। श्री माता जी मुझे आप कृपया शुद्ध विद्या दीजिए, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं हो सकती। अब आप इस हाथ को, राइट हैंड को दाहिने हाथ को उठा करके पेट के ऊपरी हिस्से में बाईं ओर रखें। यहाँ पर गुरु तत्व का चक्र है जहाँ आपको विराजना है। कुंडलिनी का जागरण शुरू होने पर भी अगर ये चक्र खुल न जाए तो कुंडलिनी आगे बढ़ नहीं सकती, अग्रसर नहीं हो सकती। इसलिए यहाँ पर आपको पूर्ण विश्वास के साथ ये कहना चाहिए, श्री माता जी मैं स्वयं का गुरु हूँ, माँ मैं स्वयं का गुरु हूँ। ये 10 मर्तबा कहना होगा, क्योंकि 10 गुरु तत्व हैं। अब इस राइट हैंड को आप उठा करके और अपने हृदय पे रखें, हृदय पे रखें। हृदय में श्री आत्मा का स्थान है। यहाँ पूर्ण विश्वास के साथ आप कहिए, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ, श्री माता जी मैं केवल आत्मा हूँ। 12 मर्तबा कहिए, श्री माता जी मैं केवल आत्मा हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ। ये महान सत्य है कि आप आत्मा हैं। Between heart and Vishuddhi, left Vishuddhi. मैंने पहले भी कहा था कि परमात्मा प्रेम, करुणा और आनंद के सागर हैं, लेकिन सबसे अधिक वो क्षमा के सागर हैं। इसलिए हम ऐसी कोई सी भी गलती नहीं कर सकते जो वो अपने उदार हृदय से हमारी क्षमा न करते। उनके क्षमा की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखें और आप अपना दाहिना हाथ कंधा और सर के बीच में जो त्रिकोण है उस कोण पर जोर से दबाकर पकड़िए, जैसे मैंने दिखाया था। और यहाँ पर पूर्ण विश्वास के साथ कहिए, श्री माता जी मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मदर आई एम नॉट गिल्टी।
मैं बिल्कुल निर्दोष निर्मल हूँ, पूर्ण विश्वास के साथ 16 मर्तबा कहिए कि श्री कृष्ण का चक्र है। सोलह मर्तबा पूर्ण हृदय से अब आपको कहना है, अपना हाथ अपने कपाल पर माथे पर आड़ा रख के दोनों तरफ से दबाइए और पूर्ण हृदय से कितनी मर्तबा सो बात नहीं ये कहिए कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, सबको मैंने क्षमा कर दिया। अब इसको गिनते नहीं बैठिएगा, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। सर के ऊपर नहीं, मैंने कहा कपाल पर, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, जहाँ हम बिंदी लगाते हैं, माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। ये कहते वक्त आपको गिनने की ज़रूरत नहीं। दूसरी बात यह है कि ये सबसे सरल का कहना, ऐसे तो हम किसी को भी क्षमा करें या न करें कुछ करते तो है नहीं, लेकिन अगर इस भ्रम में रहे कि हमने क्षमा नहीं करी तो हम दूसरों के हाथ बिक जाते हैं। इसलिए कृपया कहिए कि माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया, पूर्ण हृदय से कह दें। अब आपका हाथ आप पीछे की ओर सर पे ले जाएं, सर के ऊपर नहीं पीछे, जिस पर थोड़ा बोझा देकर सर को ऊपर उठा लें। यहाँ पर आपको अपने समाधान के लिए ये कहना चाहिए कि अगर प्रभु मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप क्षमा कर दीजिए, कृपया मुझे आप क्षमा कर दीजिए। पर किसी तरह से भी अपने दोष देखने की ज़रूरत नहीं या अपने को किसी तरह से गिराने की ज़रूरत नहीं, मुझे प्रभु आप क्षमा कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, इस प्रकार कहना मात्र है। कृपया जानिए कि इसमें अपने को नीचे न गिराना। अब अपने हाथ को फैला लें, जिसे तालु पर ये तलवे का पिछला हिस्सा पूरी तरह से आ जाए और बाकी का हाथ ऊपर रहे। ज़ोर से अपने तलवे को तालु भाग पे दबा के 7 मर्तबा घुमाइए और इस वक्त धीरे धीरे घुमाई। और इस वक्त मैं फिर आपसे कहूँगी कि आपको कहना होगा कि माँ मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए, मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, इसलिए कृपया अपने हृदय में 7 मर्तबा कहिए कि श्री माता जी मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए, दबा करके ज़ोर से। अब इस हाथ को नीचे ले लीजिए, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें, बहुत धीरे धीरे। देखिए मेरी ओर, कोई विचार आपके मन में आ रहा है, क्या आप निर्विचार हो गए? मेरी ओर कोई भी विचार न करते हुए क्या आप देख पाते हैं? दोनों हाथ इस प्रकार थोड़ा उठा ले, इतना ऊंचा नहीं, इतना ही, बहुत ऊंचा नहीं उठाए, बताइए, इतना लीजिए, आंखें खोले, इतना इतना लीजिए,
बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक से ऐसे। अच्छा, और अब आप अपना लेफ्ट हैंड माथे पर, सर के ऊपर में थोड़ा झुका के देखिए कि कुछ इसमें से ठंडी ठंडी हवा आ रही है या नहीं। बहुतों के गर्म भी आ सकती है, लेकिन कुछ हवा सी आ रही होगी। झुक लीजिए, झुका लीजिए, सर झुका के देखिए आ रही है। कुछ ऊपर, कुछ ऊपर देखें, किसी किसी के ऊपर निकलती है। अब इस हाथ को नीचे कर लें और राइट हैंड को ऊपर लेके देखिए। कि क्या यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आ रही? अब फिर से राइट हैंड हमारे ओर करिए और देखिए क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अब दोनों हाथ आकाश की ओर और गर्दन पीछे करके पूछिए कि क्या माँ ये ब्रह्म शक्ति है? क्या माँ ये प्रभु की सर्वव्यापी प्रेम शक्ति है? क्या माँ यही ऋतम भरा प्रज्ञा है? तीन बार कोई सा भी ऐसा प्रश्न आप करें। अब गर्दन नीचे कर लें, हाथ नीचे करें। अब देखिए आपके हाथ में ठंडक आ रही, आ रही। सर में ठंडक आ रही थी, शांति लग रही है अंदर। अब जिन लोगों के हाथ में या सर में ठंडक आई थी, वो दोनों हाथ ऊपर करें। अरे सारी दिल्ली पार हो गई। खुश रहिए, खुश रहिए बेटा, खुश रहिए। आप कुछ कुछ लोगों के नहीं आए, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर दोष है। हो सकता है कि आप कल नहीं आए होंगे, हो सकता है थोड़ा सा और कुछ करना होगा, कोई बात नहीं। अब शांतिपूर्वक घर जाए। किसी भी तरह की ज़्यादा बातचीत करने से ठीक नहीं होगा, क्योंकि आप विचारों पे उतरेंगे। थोड़ा सा अपनी शांति को बनाए रखें, मौन में रहें और इसका मज़ा उठाएं घर जाके। घर जा कर के अपने पर बंधन दें। मैं अभी सिखा देती हूँ कि माँ का कवच क्या होता है, वो सीख लीजिए। इस हाथ से अब आपकी शक्ति बह रही है, इस हाथ को यूँ कर लेना और इधर से उठा के इस तरह से एक बार मैं दिखा दूँ, फिर आप करिए। इस तरह से एक बार कवच चलता है। फिर से चलिए, सात मर्तबा करने से 3.5 पूरे चक्र। एक और दो सर पे से लीजिएगा और तीन और चार और पांच और छः और सात। ये तो आपने बंधन ले लिया। अब कुंडलिनी के जागरण के लिए ये जो हाथ है, इसे इस तरह से सीधा चलाना चाहिए लेफ्ट को, और राइट को उसको चारों तरफ लपेटते हुए चलना चाहिए। लेकिन इसका लपेटन जो है वो भी समझ लेना चाहिए कि ये हाथ सामने नीचे पीछे आगे इस तरह से जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं उस तरह से घूमना चाहिए, उल्टा नहीं। इस हाथ को मत घुमाइए, ये सीधा चलेगा। ये हाथ यूँ सीधा चलेगा और ये हाथ उसके साथ 3 मर्तबा। पहली मर्तबा हम जो हमारी पहली महाकाली की शक्ति है, इसे हम इच्छा शक्ति कैसे उसे उसको बांधेंगे। दूसरे इसमें हम महासरस्वती की जो शक्ति क्रिया शक्ति उसे बांधेंगे, और तीसरे इसमें तीनों शक्तियों को बांधने के लिए 3 गांठ दे देंगे। धर्म की शक्ति पे तीनों को बांधेंगे। चलिए शुरू करें। हाथ जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसकी ओर नज़र रहे, वो सीधा सीधा चढ़ता रहे। देखिए अब ये ऐसा ऊपर ऊपर जा रहा है। अब इस हाथ को ऊपर ले जाके और इसको अवगुंठन दे करके और इसको एक बार जोर से बांधिए। कुंडलिनी गिरी होगी तो भी उठ जाएगी। फिर से हाथ को देखते रहें।
अब चलिए ऊपर में आइए, अब देखिए कितने जल्दी हाथ उठ गया। अब एक दूसरा अवगुंठन महासरस्वती के इसमें दो, अब तीसरा अवगुंठन तीनों महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तीनों के अंदर एक। चलिए अब हाथ सर ऊपर में इस तरह से एक और ये दो और तीसरी नीरगाढ़ जिसे कहते हैं, तो इस हाथ से यूं। अब देखिए अपने हाथ, कुंडलिनी बन गई ऊपर बहराना, और जोर में आ रही क्यों भाई? वो हाल है कि अब मस्त हुए फिर क्या बोले, हमारे पांव वाँव छूने की कोई गरज नहीं, जब आप लोग खूब माहिर हो जाएंगे फिर छूना पैर, अभी तो ऐसी कोई अवस्था नहीं आई, कुछ दिया भी नहीं, जब कुछ क्षेम मिलेगा फिर पैर छूना चाहिए।